सनी देओल इन दिनों सुर्खियों में है। वजह साफ है, बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर गदर जिसने अपनी कमाई से भी सचमुच गदर मचा दिया है। बॉलीवुड की अच्छी सी अच्छी फिल्में काफ़ी पीछे रह गई 500 करोड़ के क्लब में। ये मूवी जो है, ये फिल्म जो है, सनी पाजी का कमबैक जो है शामिल होने जा रहा है। बता दें कि सनी पाजी का ये कमबैक तो सुर्खियों में था ही, लेकिन बंगले के नीलामी वाली बात भी इन दिनों चर्चा में है। गदर का नशा और बंगले की नीलामी वाली बात अभी शांत भी नहीं पड़ी थी कि सनी देओल ने अपने राजनीतिक सफर को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना है कि वे अब राजनीति में और नहीं रहना चाहते, आगामी चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर जिले से भाजपा सांसद हैं और उन्हें आगामी चुनाव 2024 यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ना था। बीजेपी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है। हालांकि जो सनी पाजी हैं, सनी देओल हैं, उनका कहना है कि अब मन भर गया, अब मेरी मर्जी यही है, मुझे राजनीति से दूर रहना है। एक इंटरव्यू में बात करते हुए सनी देओल कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि एक्टर के तौर पर ही वे देश की सेवा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। वे आगे कहते हैं कि एक साथ कई काम करना नामुमकिन है, ये बिल्कुल साधारण सी बात है कि एक समय पर एक ही काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा वो जिस सोच के साथ पॉलिटिक्स में आए थे, जो काम राजनीति में करते थे या आगे करते, वो सब बतौर एक्टर करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैंने सोचकर बिल्कुल शांति से ये फैसला लिया है कि आगे मुझे चुनाव नहीं लड़ना, एक्टर रहते हुए मेरा दिल जो करेगा मैं कर सकता हूँ। राजनीति में ऐसा नहीं है, राजनीति में स्थिति दूसरे तरह की है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं संसद जाता हूं तो मुझे लगता है कि यहां देश चलाने वाले लोग बैठे हैं, सभी पार्टियों के नेता बैठे हैं, लेकिन वे कैसा बिहेव करते हैं, हम एक दूसरे को बोलते हैं कि ऐसा बिहेव ना करें, हालांकि स्थिति यहां भी विपरीत ही है। इंटरव्यू में सनी देओल आगे कहते हैं, जब चीजें ठीक नहीं दिखती तो लगता है कि मैं कहीं और चला जाऊं, मैं अभी 2024 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा चुनाव एक्टर के तौर पर रहने वाला है, वैसे ही देश की सेवा भी करता रहूंगा जैसा आज तक करता आया हूं। मुझे यकीन है कि एक्टर रहते हुए मैं बेहतर तरीके से युवाओं व देश की सेवा कर पाऊंगा। इसके बाद सनी देओल अपनी राजनीति को परिवार की ओर ले जाते हैं और कहते हैं कि ये राजनीति मेरे परिवार के लिए नहीं है, ये राजनीति मेरे लिए नहीं है। यहाँ पर वे धर्मेंद्र की भी बात करते हैं। वे कहते हैं, पहले पापा और अब मैं, राजनीति हमारे परिवार के लिए बनी ही नहीं। उनका कहना है कि 2024 में भाजपा उन्हें चुनाव लड़ने को कहेगी, वे पार्टी को ना कर देंगे, उनका मन नहीं है, उनकी मर्जी यही है। हालांकि उनको बुरा जरूर लगेगा, राजनीति में या निजी जीवन में भी वे आसानी से ना नहीं कह पाते। उन्होंने आखिरी बात यही कही कि एक्टिंग की दुनिया में मेरा जो दिल करेगा वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन राजनीति में अगर मैं कुछ कमिट कर दूं, उसे पूरा ना कर पाऊं, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं आगे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके पहले सनी देओल के बंगले की नीलामी की बात थम सी गई। बैंक ऑफ बड़ौदा से जारी हुआ उनके बंगले को नीलाम करने का नोटिस वापस ले लिया गया। यहाँ बैंक के स्पष्टीकरण पर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार तकनीकी खामियों के कारण 20 अगस्त 2023 को अखबार में अजय सिंह देओल के उर्फ सनी देओल के घर की नीलामी का नोटिस जो है वापस लिया गया। बता दें कि सनी देओल का ये बंगला गांधी ग्राम रोड जुहू अंधेरी मुंबई के सब अर्बन में है। पहले बैंक के नोटिस के मुताबिक सनी देओल के ऊपर कुल 55,99,80,766 और ब्याज 26 दिसंबर 2022 से बकाया था। वहीं बंगले का रिजर्व प्राइस 51,43,00,000 रुपए रखा गया। बीते दिनों एक्टर जो सनी देओल हैं, उनको बैंक ऑफ बड़ौदा ने 56 करोड़ का बकाया राशि का रिकवरी नोटिस भेजा। इसके बाद से ही कांग्रेस ने तल्ख लफ्जों में भाजपा को घेरना शुरू किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सनी देओल का करोड़ों का जो ये नोटिस भेजा गया था उसको जारी रखते हुए उनके बंगले पर नीलामी का नोटिस चस्पा कर दिया। हालांकि बाद में टेक्निकल कारण बताते हुए बैंक ने बंगले की जो नीलामी है उस पर रोक लगा दी। अब ऐसे में कांग्रेस और तिलमिला उठी। अब इसको कांग्रेस ने झोल बताया, इसको आश्चर्यजनक बातें रखी गई। ऐसे में ही जयराम रमेश कांग्रेस नेता ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि कल दोपहर को देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भाजपा सांसद सनी देओल के जुहू स्थित आवास को ई नीलामी के लिए रखा।
क्योंकि उन्होंने बैंक के 56 करोड़ रुपए नहीं चुकाए। और आज सुबह 24 घंटे से भी कम समय में देश को पता चलता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तकनीकी कारणों से नीलामी नोटिस वापस ले लिया। आश्चर्य है इन तकनीकी कारणों को किसने ट्रिगर किया, ये कैसे बनाया गया, सारी बात अपने तीखे तेवर के साथ अपने ट्वीट में जयराम रमेश कहते नजर आए। इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए सबसे पहले अपडेट होने के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।